अच्छा मैम, लौटता हूँ अगली क्वेरी के लिए, पहले पुणे जा रहा हूँ, प्राची धागे स्क्रीन पे। प्राची मैम गुड आफ्टरनून। प्राची मैम कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? 2 साल से सर। सॉरी कम अगेन? 2 साल से। 2 साल से। और प्राची मैम आप खुद ही अपना सेलेक्ट करते हो स्टॉक, कैसे अप्रोच कर रहे हो स्टॉक मार्केट को? खुद से नहीं करती, सीएनबीसी। अच्छा क्या लिया सीएनबीसी के कहने पे, कहाँ फंस गए? ये तो मैंने आईआरसीटीसी से स्टॉक लिया था, वो खुद से लिया था। हाँ। अभी तो सीएनबीसी देखती हूँ। हाँ, तो उस वक्त मैंने, अभी 1.5 साल हो गया मुझे देख के, 800 में लिया था, 40 स्टॉक लिए थे। तो इसको अभी होल्ड करना चाहिए, कितने देर तक होल्ड करना चाहिए वो समझ में। अच्छा प्राची मैम, जब लिया था आईआरसीटीसी क्यों लिया था? बहुत चल रहा था उस समय इसीलिए लिया था, या आपने कुछ और स्टडी वडी करी थी? क्या लिया, क्या सोच के लिया था? बहुत चल रहा था और कोरोना खत्म हो गया था, उसके बाद चालू हो गया था और उसके बाद स्प्लिट हो गए शेयर्स। तो उस वक्त लगा था कि चलेगा ये शेयर, इसकी वजह से लिया था। धंधा भी बढ़िया ही है, हम सब उसकी से बुकिंग करते हैं रोज, हमेशा ट्रेन वेन की सब देखा हुआ धंधा है, हम सबका समझा हुआ धंधा है, वो मोनोपोली है। फिर भी अभी अटका हुआ मामला है, क्या करें? आस्था पढ़ने लिखने में सब अच्छा लगता है, बहुत महंगा है क्या अभी भी? चल क्यों नहीं रहा है? 802 की मेरी खरीद है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए वैसे तो ठीक है क्योंकि ऑनलाइन टिकट पेनिट्रेशन भी इनका काफी स्ट्रॉन्ग है, लगभग 82% टोटल पेनिट्रेशन इन्हीं के पास है, तो वो भी काफी पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि जो हम फाइनेंशियल जब स्टडी करते हैं तो उसमें रिसीवेबल डेज थोड़े से ज्यादा है, लेकिन वो एक कारण नहीं होता स्टॉक के ना चलने का। लेकिन एक ये थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो भी ठीक होगा। मैम इसमें टाइम लगेगा, देखिए तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन में बने रहना है, और दूसरा नतीजों पे बिल्कुल नजर रखनी है। अगर नतीजों में कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो अकॉर्डिंगली आप चाहे तो एक बार एग्जिट भी कर लेना, क्योंकि ये अभी तो इसको टाइम लगेगा आपकी कॉस्ट प्राइस आने में। बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये फेस कर रहा है 675 से 680 के स्तर पे। जब तक वो स्तर पार करके उसके ऊपर ये चलने नहीं लगता तब तक ये वापस से तेजी में नहीं लौटेगा, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। अभी तो पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो 600 के लेवल पे रखना है, 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 680 का स्तर पार हुआ तो फिर इसमें तेजी लौटेगी, लेकिन वो उसको लेके जाएगी 740 और 750 के स्तर तक, लेकिन वहां पे शायद एग्जिट करने के मौके ज्यादा अच्छे मिलेंगे क्योंकि तभी नुकसान कम होगा। अभी तो मैम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। रुकिए, होल्ड करिए, एक एक सवाल क्विकली। और दीपा मैम अगला सवाल कौन सा?